अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। और ये रेसिपी जो है, मैं तकरीबन 10 किलो गाजर की बना रही हूँ। सबसे पहले जो गाजर है उसको आपने कद्दूकश करना है, यानी कि ग्रेट कर लेना है। फिर उसे एक पतीले में डाल के उसके पानी को बिल्कुल खुश कर लेना है। फिर इसके अंदर 3 लीटर जो है दूध शामिल कर दें। इस रेसिपी में मैंने अंडे का भी इस्तेमाल नहीं किया और इसके अलावा नट्स वगैरह भी इसमें शामिल नहीं किए। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जब हमारा जो फ्रेश मिल्क है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर 1.25 किलो के करीब चीनी डाल देनी है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में जो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इसमें चीनी का कम इस्तेमाल किया है। और वैसे भी जो गाजरें होती हैं वो मीठी होती हैं, तो आप भी थोड़ी कम चीनी यूज़ करें। चीनी ऐड करने के बाद इसका पानी जो है थोड़ा सा मज़ीद रिलीज़ होगा, तो आपने उसको खुश कर लेना है और उसके अंदर देसी घी शामिल कर लेना है। और साथ में आपने ड्राई मिल्क भी इसके अंदर शामिल करना है और इलायची पाउडर भी इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से भून लेना है। आपने इसे इतना भून लेना है कि इसका ऑयल जो है वो थोड़ा सेपरेट हो जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। ये जी हमारी फाइनल लुक है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।